गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दगड़ियो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरा उठना हुआ है और उठते सीधे ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों मॉर्निंग के 9:30 बजे से और मेरे घर से। आज का मौसम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आपको मुझे देख के लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा ठंड है मुनस्यारी में। और अभी तो ना जो बर्फ़ से पहले पड़ता है, मूंग बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, तो वो गिरने लग गया है। थोड़ी देर में बर्फ़ भी पड़ने लग जाएगी। बाकी दोस्तों पंचाचूरी और हंसलिंग के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो रहे, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, मौसम बिल्कुल बंद है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप देख रहे होंगे मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है, ये जब ज़्यादा ठंड होता है तभी निकलता है धुआं, ये देख रहे होंगे ये। बाकी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार, पता नहीं एक हफ्ते तक तो ऐसे ही दिखा रखा है, अब कब तक ये ठंडा झेलना पड़ता है। बीच में तो इतना सही मौसम हो गया था, आपको मैं क्या ही बताऊँ। और वैसे भी दोस्तों मेरी तो हालत ख़राब हो रही है जुकाम से, मेरी आवाज़ से आपको पता लग ही रहा होगा कि मुझे कितना खतरनाक जुकाम हुआ, पूरा गला बैठ गया है। और दोस्तों आज ही माही की ड्यूटी लग गई कपड़े धोने की, क्योंकि मम्मी को भी पीरियड्स हुए थे तो मम्मी के कपड़े भी माही धो दे रही है। माही बेचारे से पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको, कैसा लग रहा है माही? बहुत गंदा, लोग अपनी बेटी का धोते हैं लेकिन मैं अपनी मम्मी का धो देती हूँ। कितनी अच्छी बात है, माँ का सेवा करना चाहिए बहन, माँ तो हमेशा सेवा करती है। में मेरे को कैसा हो रहा होगा? अरे तो मम्मी भी तो खाना बनाएगी, मेरी तबीयत डाउन है, कौन करेगा घर का काम? बची तू, तू नहीं धोने कपड़े। पानी कैसा हो रहा है? बहुत ठंडा, हालत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पैर है ही नहीं मेरा। अच्छा, ठंडे के मारे ना महसूस ही नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं फटाफट से छाल दे। मैल भी तो बहुत निकल रहा है सब, ये छौन भीतर का मैल होगा, ये कपड़ों से कितना काला पानी आ रहा है सब। ये हम छौन भीतर बैठते हैं ना, पहाड़ी रसोई में बैठते हैं ना दोस्तों हम लोग, तो वहाँ मिट्टी वाला घर है तो मिट्टी में ना सारे कपड़े सन जाते हैं, तो इस वजह से इतना गंदा पानी आ रहा है, ये देख रहे होंगे कितना काला पानी निकल रहा है। तो दगड़ियों आप देख सकते हैं माही यहाँ पे इतने ठंड में कपड़े धो रही है, मेरे तो ब्लॉगिंग करने में हाथ इतने ठंडे हो जा रहे हैं, उस बेचारे का कितना ठंडा हो रहा होगा। बट कर भी क्या सकते दोस्तों, मेरी हालत डाउन है। मम्मी आज किचन में जाने लग गई है खाना बनाना, मम्मी ने आज से स्टार्ट कर दिया है, तो इस वजह से माही को धुला रही है कपड़े। आजकल माही की छुट्टी है बोर्ड एग्जाम के, उससे तो माही घर पे ही है, तो आज माही बेचारी का कपड़े धोने का ड्यूटी लग गई है। वैसे इसको पढ़ाई करना चाहिए लेकिन यार दोस्तों कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि काम भी करना ही पड़ता है, तो इसी वजह से माही यहाँ पर काम कर रही है। इससे पहले आपको दिखाया था कितने छोटे छोटे बर्फ़ गिर रहे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारे आंगन में कितने सारे बर्फ़ गिर गए हैं। और माही बेचारी अभी भी कपड़े धोने में है, बेचारी को बहुत ठंडा लग रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और दगड़ियों मैं भी आई हूँ झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि मुझे गोट में झाड़ू लगाना है जहाँ पे हम बैठेंगे। वैसे बिस्तर में आज नहीं उठा रही हूँ, मतलब तय नहीं कर रही हूँ, झाड़ू नहीं लगा रही हूँ अंदर, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है और ठंडे में कोई आता भी नहीं है घर पे। इसका एक फ़ायदा हो गया मौसम ख़राब होने का, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ना ऐसे मौसम में कोई घर पर आता भी नहीं है और कोई आएगा नहीं तो देखेगा भी नहीं ना घर गंदा हुआ करके। बट मैंने यहाँ पर तो बोल ही दिया है, तो चलते हैं। झाड़ू ये रहा, ले लिया है मैंने। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे दिन के खाने की तैयारी भी होने लग गई है। मम्मी यहाँ पे सब्जी काटने लग गई है। आज भी हम लोग मिक्स वेज बना रहे हैं, क्योंकि मिक्स वेज ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। रोज़ रोज़ ये लोग बोल रहे हैं कि रोज़ रोज़ राई पालक खा के हम लोग बोर हो गए हैं, तो आज मिक्स वेज और तैमूर का सूप बनेगा शायद, है ना मम्मी? ठंडा बहुत है ना,
तो दोस्तों आज मम्मी अंदर आ गई है, आज से मम्मी खाना बनाना स्टार्ट कर रही है। और दोस्तों आज भी हम लोगों ने बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ियां ही चूल्हे में डाले हैं क्योंकि बाहर का मौसम काफी ज्यादा ठंड है। यहाँ पे माही भी आ गई है नहा धो के बिल्कुल चक बन के। अभी मार्केट गई थी माही सब्जी लेने के लिए। कितना ठंडा हो रहा था बाहर, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। कोई नहीं बहन, झेल ले, लड़कियों को झेलना ही है। सर्दी हो, जुकाम हो, और क्या करते हैं, बुखार हो, मौसम ठंडा हो, गर्म हो, काम तो करना ही है ना, है ना मम्मी। हाँ। लड़कों का तो मजा है ना। हाँ। कुछ नहीं करना पड़ता उनको, बस पैसे कमाने पड़ते हैं। काश मैं लड़का होती। फिर तुझे भी बहुत प्रेशर। मम्मी को जो मन करता वो लेकर आती मम्मी के लिए। अभी लड़कियां भी लेके आ सकते बहन, जरूरी नहीं है लड़के लेके, लड़के लोग ही लेके आए। बोलना ही नहीं जा रहा आज मेरे से, बोला ही नहीं जा रहा आज मेरे से। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ टेस्टी सा लंच बन के रेडी हो गया है, तो अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना और आपको मिलते हैं खाने के बाद। टेस्टी सा लंच करने के बाद जैसे बाहर आई तो बाहर का मौसम एकदम ही बदल गया था। यार ये लोग इतना झगड़ते क्यों तुम लोग? स्टॉप, छीनू छुन छुनली बना रहे हैं, मैं तो मार डाले तेरा। गाइस ये देख रहे हो, ये इचो इचो दांत कहाँ गया मेरा दांत। इजो, 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 पागल हो गए ये लोग। वो भी चले गया एक हो जा। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खतरनाक झगड़ते हैं ये लोग। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से ना अभी पंगा इनका खत्म हुआ है, अभी पंगा समाप्त हो गया और अभी दिखा दू ये लोग कितने प्यार से बैठे एक साथ में। छोड़ो मुझे। अरे अभी भी इसको हो ही रहा है कुछ ना कुछ। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। ये लात से नहीं मारते बहन को, ध्रुव गंदी बात। तो दगड़ियों इससे पहले जब आपको मौसम दिखाया था तब काफी ज्यादा बर्फ गिरी थी, लेकिन अभी अचानक से मौसम अच्छा हो गया है, धूप के दर्शन हो गए हैं। दो तीन दिनों के बाद आज फाइनली धूप के दर्शन हो ही गए हैं हमें। हंसलिंग में आप देख सकते हैं कितनी बर्फ गिरी है, पूरा हंसलिंग बर्फ से खचाखच भर गया है। बाकी अभी इधर साइड को पंचाचूली तो अभी बंद है, वहाँ अभी भी बादल लगे हुए हैं। धूप लगने के बाद ना चारों तरफ उजाला उजाला देखने को मिल रहा है। जब धूप नहीं होती है तो गंदा सा दिखता है, अंधेरा अंधेरा सा। जब धूप आती है ना तो चारों तरफ बिल्कुल उजाला हो जाता है, बहुत ही बढ़िया करके।